हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी, जो भविष्य वाणी करता हो, जो भविष्य की घटनाओं का जिक्र करता, या जो हस्तरेखाएँ देख कर भविष्य का विस्तार करता है, भविष्य के बारे में जो वक्तव्य देता है उसको भविष्यवक्ता, या हम ये कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, या भविष्यवाणी करने वाला। तो ज्योतिषी, एक ज्योतिषी का दिन, ये चैप्टर का नाम है। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। पंक्चुअली मीन्स होता है ठीक। पंक्चुअली एट मिड डे, ठीक दोपहर के वक्त, ही ओपेंड हिज बैग, उसने अपना बैग खोला, उसने अपना बैग कह लो या थैला कह लो, ठीक दोपहर के समय, ही ओपेंड हिज बैग, उसने अपना बैग खोला, एंड स्प्रेड आउट, और उसने फैला दी हिज प्रोफेशनल इक्विप मेंट। प्रोफेशनल मीन्स होता है व्यवसायिक, इक्विपमेंट मीन्स होता है व्यवसाय से संबंधित सामग्री। तो एंड स्प्रेड आउट, उसने फैला दिया, ठीक दोपहर के वक्त उसने अपना फैला खोला और उसने फैला दिया हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अपनी व्यवसाय से संबंधित जो भी सामग्री थी उसको उसने फैला कर रख दिया। व्हिच कंसिस्टेड, जिसमें शामिल थी, बैग खोलकर या थैला खोलकर जो व्यावसायिक सामग्री निकालकर बाहर रखा था, फैलाया था, उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी। व्हिच कंसिस्टेड, जिसमें शामिल थी आप अ डोजन कौड़ी, एक दर्जन कौड़ियां थी, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, और एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा था, या ये कह लो एक चौकोर कपड़ा था। विथ ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर माने होता है ना समझ पाने वाला, या जो समझ में ना आए। विथ ऑब्स्क्योर मैस्टिक, रहस्यमयी, मैस्टिक मीन्स रहस्यमयी, चार्ट्स ऑन इट, एक चौकोर कपड़ा था जिस पर ना समझ या ना समझ में आने वाला रहस्यमयी चार्ट अंकित था। अ नोटबुक, एक नोटबुक होती थी, अर्थात एक नोटबुक थी, एक कॉपी थी, एंड अ बंडल ऑफ पलमायरा राइटिंग, और एक छोटी सी पोटली कह लो या गट्ठर कह लो, बंडल मीन्स गट्ठर या पोट मतलब रोल का गट्ठर, एंड अ बंडल ऑफ पलमायरा राइटिंग। पलमायरा राइटिंग कहते हैं भोजपत्र का लिखा हुआ, या भोजपत्र पर लिखा हुआ एक भोजपत्रों का बंडल था। तो ये कौन कौन सी चीजें हुई, काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है यहां से, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या क्या थी, किसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास। तो फिर से हम एक बार रिमाइंड कराए दे रहे हैं कि हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड था। उसमें अ डोजन कौड़ी सेल्स, एक दर्जन कौड़ियां थी, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा था जिस पर ना समझा जा सकने वाला रहस्यमयी चार्ट अंकित था, और अ नोटबुक, एक नोटबुक थी, एंड अ पलमायरा, अ बंडल ऑफ पलमायरा राइटिंग, और लिखे हुए भोजपत्रों का एक बंडल था। तो ये चीजें शामिल थी किसमें, उसके जो व्यावसायिक सामग्री थी उसमें ये चीजें शामिल थी। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट, उसका फोरहेड मीन्स होता मत्था, हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट, उसका मत्था चमकता था, विथ सैक्रेड एस, किससे, पवित्र भस्म से, एस मीन्स भभूत कह लो या भस्म कह लो, उसका मत्था पवित्र भस्म से चमकता था, एंड वर्मिलियन, और वर्मिलियन मीन्स सिंदूर होता है, आप रोली कह सकते हैं, उसका मत्था पवित्र भस्म और रोली से चमकता था, पूरे मत्थे पर वो मलता था भस्म, और बीचों बीच में टीका लगाता था वर्मिलियन का, आप कह लो सिंदूर का या कह लो रोली का टीका लगाता था, पूरा मस्तक पे भस्म मलता था और रोली का टीका लगाता था। तो उसका मत्था सैक्रेट भस्म,
सॉरी सैक्रेड एस पवित्र भस्म और रोली से चमकता था, एंड हिज आइज और उसकी आंखें स्पार्कल चमकती थी विथ अ शार्प अब नॉर्मल ग्लीम। उसकी आंखें जो थी वो चमकती थी विथ अ शार्प अब नॉर्मल ग्लीम, असाधारण चमक से उसकी आंखें चमकती थी, अर्थात उसकी आंखों में असाधारण सी चमक थी। व्हिच वाज रियली जो कि वास्तव में एन आउटकम, आउटकम मीन्स होता है नतीजा या परिणाम, जो कि वास्तव में परिणाम होता था ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग निरंतर खोज का, लुक फॉर कस्टमर्स जो कि निरंतर ग्राहकों की खोज कह लो या ग्राहकों का इंतजार का परिणाम होता था, जो कि उसकी आंखों में एकदम से असाधारण तरीके से चमक आती थी, अर्थात हर समय वो ग्राहकों के इंतजार में रहता था और जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक असाधारण सी चमक होती थी या असाधारण सी चमक थी उसकी आंखों में, जो परिणाम था निरंतर खोज का, किसका, ग्राहकों की खोज का। बट लेकिन व्हिच हिज सिंपल क्लाइंट्स जिसे उसके भोले भाले जो क्लाइंट थे, व्हिच हिज सिंपल क्लाइंट, सिंपल क्लाइंट माने भोले भाले लोग जो उसके पास आते थे, व्हिच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, जिसे उसे भोले भाले ग्राहक उसकी प्रोफेटिक लाइट, प्रोफेटिक लाइट कहते हैं दूरदर्शिता या दूरदृष्टि, भविष्य की दृष्टि, जिसे उसके ग्राहक या भोले भाले ग्राहक भविष्य दृष्ट मानते थे, एंड कंफर्टेड और सुकून महसूस करते थे उसकी बात को सुनकर, कंफर्टेड काफी सुकून महसूस करते थे, किसकी बात को सुनकर, उस ज्योतिषी की बात को सुनकर लोगों को काफी सुकून मिलता था, और यही कारण था कि उसकी दूरदृष्ट लोग जो नजर या हर समय गड़ाए रहता था कि कब कोई क्लाइंट आने वाला, तो उसके भोले भाले ग्राहक जो थे उसकी आंखों की चमक को देखकर उनका ये मानना था कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये प्रोफेटिक लाइट रखता है, अर्थात भविष्य की दृष्टि रखता है जिससे भविष्य देख पाने में सक्षम है। द पावर ऑफ हिज आइज और उसकी आंखों की जो पावर थी, शक्ति थी, द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मीन्स होता अत्यधिक या काफी अधिक मात्रा में, तो उसके आंखों की शक्ति काफी बढ़ जाती थी, इनहैंस माने होता बढ़ जाना, अर्थात उसके आंखों की शक्ति काफी बढ़ जाती थी बाय देयर पोजीशन, उस पोजीशन में कब, जब वो आकर बैठता था तो उसकी आंखों की पोजीशन इस स्थित में थी, अर्थात ये कह लो कि जिस तरीके से वो अपने आप को रंगता चुनता था या अपने आप को मेंटेन करता था उस कंडीशन में उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार दिखती थी। ये लाइन फिर से देख लेते हैं, द पावर शक्ति ऑफ हिज आईज उसकी आंखों की वाज कंसिडरेबली काफ़ी इनहेंस माने बढ़ जाती थी बाई देयर पोजिशन उस पोजिशन में उसके आंखों की चमक या उसके आंखों की जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ जाती थी। प्लेस्ड आयज जो प्लेस थी आयज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड जो कि प्लेस थी स्थित थी उस रंगे हुए मत्थे एंड डार्क विस्कर्स और उन काली काली मूछों के बीच में उसकी आंखें कहाँ स्थित थी जहाँ सबकी आंखें स्थित होती लेकिन उसकी आंखों की प्लेसमेंट इतना अच्छा था कि ऊपर मत्था पूरा रंगा होता था और काली काली मूछें उनके बीच जो आंखें दिखती थी वो बहुत चमकदार और बहुत दूरदृष्ट की प्रतीत होती थी किसको उसके आने वाले क्लाइंट को या भोले भाले लोगों को। व्हिच स्ट्रीम्ड और आंखें कहां प्लेस थी रंगे हुए मत्थे और काली मूछों के बीच व्हिच और व्हिच किसके लिए आया मूछों की बात की जा रही है व्हिच स्ट्रीम्ड जो फैली हुई थी डाउन हिज चीक्स कहाँ तक उसके गालों तक मतलब बड़ी बड़ी मूछें जो थीं वो गालों तक फैली हुई थीं गलमूछें थीं
और इवन अ हाफ विट और कम, हाफ विट मींस कहते हैं कम बुद्धिमान या कम बुद्धि वाला इंसान, इवन अ हाफ विटाइज, जिस कंडीशन में जिस तरीके से वो अपने आप को रंगता चुंगता था, अगर उस कंडीशन में इवन अ हाफ विटाइज कम बुद्धिमान व्यक्ति की भी आंखें उड स्पार्कल, चमक जाती, या कम बुद्धि के इंसान की भी आंखों में चमक होती, इन सच अ सेटिंग, अगर वैसी सेटिंग की जाती। कैसी सेटिंग? जैसे वो एस्ट्रोलॉजर मत्था वत्था रंग के बड़ी बड़ी मूछों गलमूछों के बीच आंखें जो थी चमकीली दिखाई देती थी, अगर किसी कम बुद्धि वाले व्यक्ति को भी वही सेटिंग कर दी जाए तो वो भी काफी बुद्धिमान दिखने लगेगा। किसके समान? उस एस्ट्रोलॉजर के समान। तो इवन अ हाफ विट साइज, कम बुद्धि वाले इंसान की भी आंखें उड स्पार्कल, चमक जाती या आंखों में चमक होती, इन सच अ सेटिंग, उस सेटिंग में। टू क्राउन, और क्राउन माने वैसे तो ताज होता, लेकिन यहां पे सर पे बांधने के लिए आप पगड़ कह लो, पगड़ी कह लो। टू क्राउन द इफेक्ट, और अपने पगड़ को या अपनी पगड़ी को प्रभावशाली बनाने के लिए, ही वाउंड, वो धारण करता था अर्थात पहनता था अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, पीले रंग की पगड़ी, अर्थात मुकुट के तौर पे या सर पर अपनी पगड़ी को प्रभावशाली बनाने के लिए वो हमेशा पीले या कह लो केसरिया रंग का पगड़ बांधता था। टर्बन मीन्स वैसे तो टोपी होता, पगड़। द इफेक्ट, अपने क्राउन को या अपने सर पे पहने जाने वाले पगड़ को प्रभावशाली बनाने के लिए, ही वाउंड, वो धारण करता था अर्थात पहनता था अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, पीले रंग का पगड़ अराउंड हिज हेड, अर्थात पीले रंग का पगड़ अपने सर के चारों ओर वो बांधता था। और दिस कलर स्कीम, और उसकी ये जो पगड़ वाली रंग योजना थी, दिस कलर स्कीम, ये कलर स्कीम अर्थात ये रंग योजना नेवर फेल्ड, ये कभी असफल नहीं होती थी। अर्थात आप ये कह लो कि कपड़े का रंग बदल जाता था, लेकिन पगड़ का रंग कभी बदलता नहीं था, पगड़ हमेशा वो पीले रंग का ही या सैफ्रॉन कलर का ही बांधता था रोज। पीपल वर अट्रैक्ट टू हिम, और जब वो आकर बैठता था या बैठा, पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे जब वो आकर बैठता था, दुकान लगाता था अपनी, तो पीपल, दुकान कह लो या अपना धंधा जब लगाता था, तो पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे एज बीज, किसके समान? मधुमक्खियों के समान। आर अट्रैक्टेड, जैसे मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, टू कॉसमॉस आर डहेलिया स्टार्क, जैसे मधुमक्खियां कॉसमॉस या डहेलिया की टहनियों की ओर, जो फूल से लदी हुई होती, जैसे मधुमक्खियां कॉसमॉस और डहेलिया की शाखाओं की ओर आकर्षित होती हैं, कब? फूल से लदी शाखाओं की ओर, जैसे मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं किसकी ओर? कॉसमॉस और डहेलिया की शाखाओं की ओर जो फूलों से लदी हैं, उधर जिस तरह मधुमक्खियां आकर्षित होती थीं, ठीक वैसे ही कस्टमर आकर्षित हुआ करते थे किसकी ओर? एस्ट्रोलॉजर की ओर। ये लाइन फिर से देख लेते हैं। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे एज बीज, जैसे मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होती हैं, टू कॉसमॉस और डहेलिया, किसकी ओर? कॉसमॉस और डहेलिया, और स्टार्क माने डंठल कह लो या ब्रांच, जैसे मधुमक्खी कॉसमॉस और डहेलिया की शाखाओं की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक वैसे ही लोग उस एस्ट्रोलॉजर की ओर आकर्षित होते थे। He sat under the boughs. Bough means होता है branch, शाखाएं या टहनियां। He sat under the boughs of a spreading tamarind. Spreading tamarind कहते हैं, tamarind means होता है इमली, और spreading माने फैली हुई, तो इमली की फैली हुई शाखाओं के नीचे वो बैठता था। हुच फ्लैंग, जिसके बगल से, फ्लैंग माने गुजरता था बगल से, हुच फ्लैंग द पाथ, जिसके बगल से होकर एक रास्ता गुजरता था,
रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और वो रास्ता कहां को जाता था, उस टाउन हॉल पार्क को जाता था। फिर से देखते हैं ये लाइन, वो इमली की शाखाओं के नीचे या एक फैली हुई शाखाओं वाली इमली के पेड़ के नीचे बैठता था, मतलब एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, चारों तरफ मोटी मोटी उसकी शाखाएं फैली हुई थी, इसलिए कहा गया ही सैट अंडर द बॉक, शाखाओं के नीचे या बॉक शाखाओं के नीचे बैठता था। आप स्प्रीडिंग टैमरिंड, एक फैले हुए या दूर तक फैली हुई ब्रांचों वाले इमली के पेड़ के नीचे, हुच फ्लैंग्ड, जिनके बगल से होकर गुजरता था अपात, जिनके बगल से होकर एक रास्ता गुजरता था, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल, और वो रास्ता जाता कहां को था, टाउन हॉल को। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, ये बहुत ही उपयुक्त स्थान था, इन मेनी वेज, कई तरीकों से वो स्थान बहुत उपयुक्त था व्यवसाय के लिए। और क्यों उपयुक्त था, उसका रीजन बताया गया कि क्यों वो स्थान उपयुक्त था, महत्वपूर्ण था। अ सर्जिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग मीन्स उमड़ती हुई, अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, एक उमड़ती हुई भीड़ हमेशा आया जाया करती थी, अप एंड डाउन मीन्स आया जाया करती थी, मतलब काफी ज्यादा भीड़ अप मीन्स टाउन हॉल की ओर जाती थी और डाउन का मतलब वापस लौटती थी। तो विशाल जनसमूह कह लो या उमड़ती हुई भीड़, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ का आना जाना लगा रहता था टाउन हॉल से, और उसी सकरे मार्ग से होकर अर्थात उसी रास्ते से होकर जिस रास्ते के किनारे एस्ट्रोलॉजर बैठता था। क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, इस सकरे रास्ते से, मतलब उस सकरे रास्ते से जिसके किनारे एस्ट्रोलॉजर बैठता था, जो सकरा रास्ता टाउन हॉल पार्क को जाता था, उस पर काफी मात्रा में भीड़ कह लो या उमड़ती हुई भीड़ आया जाया करती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, कई प्रकार के व्यापार की सामग्री, एन ऑक्यूपेशन और धंधे कह लो या व्यापार व्यवसाय कह लो, अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, कई प्रकार के व्यापार एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, अर्थात कई प्रकार के धंधे और व्यवसाय उस सड़क के किनारे प्रेजेंटेड थे, प्रस्तुत थे, काहे के लिए, व्यापार के लिए। तो अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, कई प्रकार के व्यापार एंड ऑक्यूपेशंस और धंधे वाद रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट थे अर्थात प्रस्तुत थे, ऑल अलॉन्ग इट्स वे, उसके किनारे, किसके किनारे, उस पाथ के किनारे, आप कह सकते हो उस पाथ, उस रास्ते के किनारे कई प्रकार के व्यवसाय और धंधे होते थे, व्यवसाय चलता था, लोगों की दिनचर्या या रोजमर्रा की चीजों की दुकानें लगी थी, जिससे वो अपनी जीविकापार्जन कमाते थे, अपनी जीविका अर्जित करते थे। तो कई प्रकार के व्यवसाय और ऑक्यूपेशन रिप्रेजेंट थे कहाँ, उस पाथ के किनारे, जो पाथ कहाँ को जाता था, उस टाउन हॉल पार्क को जाता था। आइए आगे देखते हैं, मेडिसिन सेलर्स और जो व्यवसाय होते थे, उन व्यवसाय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, कौन कौन सी दुकानें उस पाथ के किनारे लगती थी, उनमें कौन कौन होता था, मेडिसिन सेलर्स, मेडिसिन सेलर, मेडिसिन को बेचने वाले अर्थात मेडिकल स्टोर वाले या मेडिकल स्टोर की दुकानें होती होंगी, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, कबाड़ की दुकानें, मैजिशियंस, जादूगर होते थे, एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर या इन सब से ज़्यादा, एन ऑक्सनीर, ऑक्सनीर माने होता है शोर करता हुआ, ऑक्सनीर ऑफ चीप क्लॉथ, इन सब से कहीं ज्यादा एक शोर करता हुआ सस्ते कपड़े की, सॉरी, ऑक्सनीर मीन्स होता है नीलाम करता या नीलाम करने वाला, एन ऑक्सनीर ऑफ चीप क्लॉथ, एक नीलाम करता किसका, चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े का या सस्ते कपड़ों का एक नीलाम करता दुकान लगाता था रोड पे ही, हु क्रिएटेड इनफ, जो मचाता था, क्रिएट माने उत्पन्न करता था, इनफ डिन, डिन मीन्स होता है शोरगुल, इनफ डिन ऑल डे, जो सारा दिन पर्याप्त रूप से शोर मचाता रहता था, टू अट्रैक्ट द होल
टाउन, पूरे टाउन के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक वो शोर मचाया करता था। कौन? वो ऑक्शनी, नीलाम करता। किसका? ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े का नीलाम करता, या सस्ते कपड़े की दुकान थी जिसपे कपड़ों की नीलामी होती थी, तो वो सारा दिन शोर मचाया करता था। काहे के लिए? टाउन के या ज्यादातर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक वो शोर मचाया करता था। नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में, इन वैसीफेरसनेस, वैसीफेरसनेस मींस होता है उसी शोरगुल के बीच, केम अ वेंडर, उसी के बगल अर्थात शोरगुल के बीच केम अ वेंडर, एक और विक्रेता आता था, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, और वो काहे की दुकान लगाता था? फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई मूंगफलियों की या भुनी हुई मूंगफली बेचने उसी शोरगुल के बीच एक मूंगफली विक्रेता आता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम, जो अपने सामान को एक नया नाम देता था ईच डे, जो प्रतिदिन अपने सामान को या अपने वेयर को, वेयर मीन्स सामान, अर्थात वेयर, उसका वेयर क्या हुआ? ग्राउंडनट, जो अपने सामान को नित नया नाम देता था, कॉलिंग इट, उसे आवाज लगाकर बॉम्बे आइसक्रीम, कभी तो अपने सामान को बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन अपनी मूंगफलियों को बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से बेचता कि बॉम्बे की आइसक्रीम ले लो, बॉम्बे की आइसक्रीम ले लो। वन डे, एक दिन, एंड मतलब एक दिन तो वो सारा दिन अपने वेयर को बॉम्बे की आइसक्रीम का नाम देता, एंड ऑन द नेक्स्ट, और दूसरे दिन दिल्ली आलमंड, दिल्ली का बादाम, दूसरे दिन उसी सामान को, मतलब मूंगफली वही है, एक दिन पूरा दिल्ली का बादाम के नाम से अगर चली तो एक दिन बॉम्बे की आइसक्रीम के नाम से बिकी वो मूंगफलियां, दिल्ली आलमंड, एक दिन तो अगर वो बॉम्बे आइसक्रीम का नाम देता, दूसरे दिन उन्हीं मूंगफलियों को दिल्ली आलमंड, दिल्ली का बादाम, दूसरे दिन उन्हीं मूंगफलियों को दिल्ली का बादाम का नाम देकर बेचता। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन राजा डेलिकेसी, राजा का स्वादिष्ट भोजन, एंड सो ऑन, और इस तरह नित दिन वो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह नित नए दिन वो अपने सामान को नित नया नाम दे देकर बेचता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड, और लोग इकट्ठा होते, फ्लॉक्ड झुंड में, टू हिम अर्थात लोग झुंड में उसके पास आते, जैसे वो आता था और चिल्लाना शुरू करता था, लोग झुंडों में उसके पास आते थे या झुंड लगा लेते थे, फ्लॉक्ड टू हिम अर्थात उसके किनारे किनारे क्या लगा लेते थे? झुंड लगा लेते थे, इकट्ठा हो जाते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, और उस भीड़ का एक पर्याप्त हिस्सा, डेलाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, अर्थात उस भीड़ का एक पर्याप्त या एक बड़ा हिस्सा एस्ट्रोलॉजर के पास भी इकट्ठा होता था, ज्योतिषी के पास भी इकट्ठा होता था या ज्योतिषी के पास खड़ा होता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसेंडेड हिज बिजनेस, और जो एस्ट्रोलॉजर था, वो ज्योतिषी जो था, वो अपना व्यापार चलाता था, ट्रांसेंड मीन्स चलाता था, हिज बिजनेस अपना व्यापार, बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स होता है लपट, बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, जो ज्योतिषी था वो अपना व्यापार एक उस आग की लपट से चलाता था, व्हिच क्रैकल्ड, जो आवाज करती हुई निकलती थी, एंड स्मोक्ड, धुआं और आवाज करती हुई उस लपट की प्रकाश में वो अपना व्यवसाय चलाता था। अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई, जो पास के ही मूंगफली, बगल में मूंगफली की दुकान होती थी, उसी के बगल एस्ट्रोलॉजर लगाता था अपनी दुकान, तो उस मूंगफली के ढेर पर से क्रैकल्ड, क्रैकल्ड मीन्स होता आवाज, चटक की या चटकने की आवाज करती हुई, और धुएं के साथ जो लपट निकलती थी, उस लपट के प्रकाश में ही या उस लौ के प्रकाश में ही ज्योतिषी अपना धंधा या अपना व्यवसाय चलाता था। और वो लपट निकलती कहाँ थी? अबव द ग्राउंड नट, उस मूंगफली के ढेर के ऊपर से, नियर बाय, जो पास में ही थी, किसके पास में? एस्ट्रोलॉजर के बगल में। हाफ द इंचैंटमेंट ऑफ द प्लेस, और वहां का जो आधा स्थान था, वाज ड्यू टू द फैक्ट
दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, वहाँ या उस क्षेत्र का जो आधा भाग था वो नगर निगम की या नगर पालिका की लाइट से बेनिफिटेड नहीं था, अर्थात नगर पालिका की रोशनी का आधा क्षेत्र बेनिफिट उठा नहीं पाता था, अर्थात जो पोर्शन इमली के पेड़ के नीचे रहा होगा उस पोर्शन में नगर पालिका का प्रकाश, नगर पालिका में लगी हुई लाइट का प्रकाश आ नहीं पाता होगा, इसलिए वो आधा पोर्शन नगर पालिका की लाइट का बेनिफिट नहीं उठा पाता था। द प्लेस वाज लिट अप, और वो स्थान, द प्लेस वाज लिट अप, वो स्थान प्रकाशित था बाय शॉप लाइट्स, किसके द्वारा, दुकानों पे लगी हुई लाइट्स के द्वारा। वन आर टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो दुकानदार या एक दो दुकानों पर हिसिंग लाइट्स जलती थी। हिसिंग लाइट कहते हैं जो आवाज करती हुई, जैसे पेट्रोमैक्स आप जलाइए तो उसमें से आवाज निकलती है, हिसिंग की साउंड निकलती है। तो एंड वन आर टू हैड हिसिंग लाइट्स, गैस लाइट, एक दो दुकानों के पास या एक दो दुकानदारों के पास आवाज करती हुई गैस लाइट थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर, और कुछ लोगों ने तो केवल मसाले ही बांध रखी थी। नेक्ड फ्लेयर कहते हैं नंगी लौ, अर्थात मसाल। स्ट्रक ऑन पोल्स, जिन्होंने पोल से बांध रखा था लपटों को, या कह लो केवल मसालों को, जलती हुई मसालों को पोल से बांध रखा था, काहे के लिए, प्रकाश के लिए। और सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ दुकानें ऐसी भी थीं, सम वर लिट अप, जो प्रकाशित थीं बाई ओल्ड साइकिल लैम्प, किसके द्वारा, ओल्ड साइकिल लैम्प के द्वारा, जिसमें आपका लालटन भी आ जाती, लैम्प भी आ जाती है। एंड वन आर टू, और एक दो दुकानदार उनमें ऐसे भी होते थे, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, किसके समान, एस्ट्रोलॉजर के समान, मैनेज्ड, जो मैनेज कर लेते थे विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, जो बगैर अपने प्रकाश के या अपने निजी प्रकाश के भी अपना व्यवसाय मैनेज कर लेते थे, अर्थात अपना व्यवसाय बगैर अपनी लाइट के दूसरे के लाइट से ही चला लेते थे, किसके समान, एक दो लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर चलाता था, वो भी अपने लिए पर्सनल लाइट की व्यवस्था उसने नहीं की थी, और मूंगफली के जो ढेर पर से लपट निकलती थी आवाज करती हुई, उस लपट के प्रकाश से ही वो अपना धंधा चलाता था। इट वाज अ बिल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, और ऐसे लोग जिनके पास अपना खुद का प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे लोगों के पास बिल्डरिंग भ्रमित क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, इनके पास भ्रमित करने वाली या परछाइयों से युक्त प्रकाश ही इनके पास पहुंच पाता था। एंड मूविंग शैडोज, और उस प्रकाश में मूविंग शैडोज बार बार आती रहती थी, या ये कह लो जिनके पास खुद की लाइटें थी तो वो तो परफेक्ट प्रकाश पाते थे, लेकिन जिनके पास पर्सनल लाइट्स नहीं थी वो दूसरी दुकान की मध्यम सी रोशनी मिल पाती थी, लेकिन उस मध्यम सी रोशनी में क्रिस क्रॉस अर्थात मूविंग शैडोज आ जाया करती थी। जैसे आपको रोशनी मिल रही है, बीच से कोई आकर गुजरा तो उस वक्त आपके पास जो लाइट पहुंच रही है वो बाधित होती है। तो ऐसे दुकानदारों के पास या ऐसे व्यवसायकर्ताओं के पास कैसी लाइट्स होती थी, क्रिस क्रॉस अर्थात भ्रमित करने वाली लाइट, क्रिस क्रॉस बिल्डरिंग भ्रमित करने वाली, और मूविंग शैडोज, शैडोज से युक्त प्रकाश ऐसे दुकानदारों को या ऐसे व्यवसायकर्ताओं को मिल पाता था, किनको, जिनके पास अपनी पर्सनल लाइट का इंतजाम नहीं था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर, और ऐसा ही प्रकाश भ्रमित करने वाला, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और ऐसा प्रकाश या ऐसी स्थिति ही एस्ट्रोलॉजर को सबसे अधिक सूट करती थी, या ऐसी स्थिति ही उसके लिए सुइटेबल थी, किसके लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि उसका सीधा सा कारण ये था, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर,
क्योंकि उसका शुरू में कतई एस्ट्रोलॉजर बनने का इरादा नहीं था। ये लाइन फिर से देख लेते हैं, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट, शुरुआत में इंटेंडेड, वो कतई इरादा नहीं रखता था टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, क्या बनने का, ज्योतिषी बनने का शुरू में कतई वो इरादा नहीं रखता था। व्हेन ही बिगन लाइफ, कब, जब उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी तब उसका ज्योतिषी बनने का कोई इरादा नहीं था, या ज्योतिषी बनने का वो कोई इरादा नहीं रखता था। एंड ही न्यू नो मोर, और वो ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था आप व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ, वो ये भी नहीं जानता था कि उसके साथ अगले पल या अगले मिनट क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट, मतलब दूसरों को तो ज्ञान बताता था, 50-50 साल आगे की घटनाओं का वो भविष्यवाणी करता था, 50 साल आगे की घटनाओं की भविष्यवाणी करता था, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन वो यही, एंड ही नॉट ही न्यू नाउ नो मोर, वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था आप व्हाट वाज गोइंग टू हैपन कि क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है, टू हिमसेल्फ उसके साथ, नेक्स्ट मिनट अगले मिनट। कुल मिला के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो तरह तरह की चीजों को बताया करता था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उससे अपने ही बारे में नहीं पता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। He was as much a stranger, वो उतना ही अनजान था to the stars, किससे, नक्षत्रों के बारे में वो उतना ही अनजान था, as were his innocent customers, जितना अनभिज्ञ उसके भोले भाले कस्टमर हुआ करते थे इतना ही अनजान वो नक्षत्रों के बारे में भी था। लेकिन हाँ, उनको ऐसे बताकर, उनको ऐसी ऐसी चीजें बताकर जिससे वो खुश होते थे और लोगों को भरोसा था कि ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं और इनमें वास्तव में भविष्य देखने की क्षमता है, इसलिए उसका व्यापार चल रहा था। देखते हैं आगे, देखते हैं, यद्यपि एस्ट्रोलॉजर को भविष्य की बातों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और वो उतना ही अनजान था जितना अनजान उसके भोले भाले कस्टमर हुआ करते थे, उसके बावजूद ही सेड थिंग्स, फिर भी वो उनसे ऐसी बातें बताता था या ऐसी ऐसी बातें अपने कस्टमर को बताता था कि व्हिच प्लीज्ड, जो उसके कस्टमर्स को, उसके ग्राहकों को खुश कर देती थी, एंड एस्टॉनिस्ड, ऐसी ऐसी बातें वो अपने कस्टमर को बताता था जो बातें या तो उसके कस्टमर को खुश कर देती थी, अत्यधिक प्रसन्न कर देती थी, या एंड एस्टॉनिस्ड और अचंभित कर देती थी एवरी वन, प्रत्येक व्यक्ति को, अर्थात प्रत्येक उस व्यक्ति को जो कस्टमर आता था एस्ट्रोलॉजर के पास। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, लेकिन ये भविष्य के ज्ञान या भविष्य की घटनाओं का परसेप्शन करना या भविष्य की घटनाओं का जिक्र करने का उसका ज्ञान का मतलब नहीं था। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, ये जो मैटर था ये किसका था, स्टडी का, अध्ययन का, प्रैक्टिस, अभ्यास का, एंड श्रेड गैस वर्क, और चालाकी का अनुमान या चालाकी पूर्ण अनुमान का यह परिणाम था कि वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताता था कि लोग अचंभित हो जाते थे और लोग अत्यधिक प्रसन्न हो जाया करते थे। लेकिन ये मैटर ऑफ स्टडी का मामला था, अर्थात ये उसके अध्ययन का, प्रैक्टिस अभ्यास का, एंड श्रेड गैस वर्क और चालाकी पूर्ण अनुमान का नतीजा था कि वो इसमें सक्षम होता था कि लोगों को खुश करने की कला उसमें थी या लोगों को अचंभित कर देने की कला उसके अंदर थी। ऑल द सेम, फिर भी यद्यप करता तो वो कस्टमर के साथ चीटिंग ही था, ऑल द सेम फिर भी इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, यद्यप करता तो वो चीटिंग ही था लेकिन उसके बावजूद इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, फिर भी वो एक ईमानदार
लेबर के समान, जैसे कोई लेबर ईमानदारी पूर्ण ढंग से पैसे कमाता है, ठीक एक ईमानदार लेबर के समान वो पैसे कमाता था, आयत एनी अदर, जैसे दूसरे लेबर ईमानदारी से पैसे कमाते ठीक वैसे ही वो ईमानदारी से पैसे कमाता था। यद्यपि करता चीटिंग था, लेकिन उतने ही फक्र से, उतने ही गर्व से, उतने ही डंके की चोट पर लोगों से पैसा लेता था जैसे बहुत ईमानदारी पूर्ण कार्य कर रहा हो। एंड ही डिजर्व द वेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ अ डे, और दिन के अंत में अर्थात शाम होने पर जो वो मजदूरी कह लो या मेहनताना, वेज मीन्स, वेजेस मीन्स मजदूरी या मेहनताना, शाम को दिन ढलने के बाद ही कैरी, जो भी वो पैसे या अपना मेहनताना घर ले जाता था, ही डिजर्व, उसका वो अधिकारी था या उसका अधिकार वो रखता था। मतलब ये भी एक प्रकार की कला थी, लोगों से पैसा ऐंठना या लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा खींचना भी एक प्रकार की कला होती। ये सबको नहीं आती है, आप चाहो तो आजमा के देख लो, कोई आपको दो पैसे नहीं देगा अगर दूसरे से कोई पैसे भले चीट करके ही ले रहा हो, लेकिन ये भी एक प्रकार की कला होती है। तो एंड ही डिजर्व, और वो इसका अधिकार रखता था या डिजर्व, ये पात्र था, डिजर्व मींस पात्र था, द वेजेस ही कैरीड होम, जो वेजेस मेहनताना वो घर लेकर जाता था, एट द एंड ऑफ अ डे, दिन के ढलने पर या दिन ढलने के बाद जो मेहनताना वो घर ले जाता था उसका वो पात्र था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था, ही हैड लेफ्ट अर्थात उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था, हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थाट, बगैर किसी विचार के आर प्लान, बगैर किसी योजना, पूर्व योजना और या बगैर किसी पूर्व प्लान के या बगैर किसी विचार के, बिना किसी विचार और बिना किसी पूर्व योजना के उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था। और इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, और यदि वो अब भी वहां होता, कहां, अपने गांव में, तो ही would have carried on, तो वो बढ़ा रहा होता, carried on माने जारी रखता या बढ़ा रहा होता, the work of his forefathers, अर्थात यदि वो भी गांव में रहा होता तो forefathers means पूर्वजों के, तो वो अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा होता, namely tilling the land, क्या कर रहा होता, खेतों में हल चला रहा होता, living, marrying, शादी विवाह की होती अर्थात घर बसाया होता, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने पूर्वजों के खेतों में फसलों को बो के पकवा रहा होता अर्थात फसलों की रखवाली करके उनको पका रहा होता खेतों में अर्थात खेती बाड़ी का कार्य कर रहा होता, लिविंग और रह रहा होता एंसेस्ट्रल होम, कहाँ, अपने पूर्वजों के घर में। अगर उसे गांव ना छोड़ना पड़ता तो वो क्या करता, तो वो अपने पूर्वजों के घर में रह रहा होता, शादी विवाह करके घर बसाया होता वहीं गांव में, और अपने पूर्वजों की जमीनों पर हल चला रहा होता, खेती बाड़ी का कार्य कर रहा होता, कब, अगर वो गांव में रहता तो। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा ना हो पाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनी वन, बगैर किसी को कुछ बताए हुए उसे घर छोड़ना पड़ा था, एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो तब तक आराम नहीं कर सका, ही कुड नॉट रेस्ट, वो तब तक आराम नहीं कर सका था, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles, जब तक कि उसने अपना घर, अपना गांव 200 मील पीछे नहीं छोड़ दिया, तब तक वो आराम नहीं कर सका था। मतलब एकदम से बिना किसी पूर्व विचार के, बिना किसी पूर्व प्लान के उसे एकदम से घर छोड़ना पड़ा था, और तब तक वो निरंतर सफर करता रहा जब तक कि उसने अपने गांव अर्थात अपने घर को 200 माइल अर्थात 200 मील पीछे छोड़ नहीं दिया। टू आ विलेजर, और एक गांव वाले के लिए, वैसे तो 200 माइल की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब 300 किलोमीटर, लेकिन
टू अ विलेजर, एक गांव वाले इंसान के लिए या एक गांव के भोले भाले इंसान के लिए इट इज ग्रेट डील, ये डिस्टेंस काफी माने रखती है, काफी ज्यादा होती, ग्रेट डील काफी अधिक होती है ये डिस्टेंस। आयद इफ, मानो कि एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, मानो कि इस डिस्टेंस के बीच ओशियन फ्लोड अर्थात महासागर बह रहा हो, दूसरे शब्दों में कहने का अर्थ हुआ कि एक गांव वाले के लिए 200-300 किलोमीटर कह लो या 200 माइल की डिस्टेंस सात समुंदर पार से कम नहीं है। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, उसके पास वर्किंग एनालिसिस मतलब विश्लेषण था, लेखा जोखा था, किसका, कार्य का। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, वो कार्य का विश्लेषण रखता था ऑफ मैनकाइंड, किसके, मानव जाति के या मानवों के कार्य का विश्लेषण वो रखता था। ट्रबल्स, लोगों की परेशानियों का वो विश्लेषण रखता था। मैरिज, लोगों की विवाह संबंधी परेशानियों या विवाह वैवाहिक संबंधों का वो एनालिसिस रखता था या विश्लेषण रखता था कि लोग, अर्थात ये कह लो सामाजिक जीवन में व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, इन सब चीजों का उसके पास विश्लेषण था, जिनमें क्या क्या शामिल था, ट्रबल्स है, मैरिज है, मनी है जिसमें परेशानियां थी, विवाह संबंधी, धन संबंधी, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और ह्यूमन टाइज मानव संबंधों की उलझने जिसमें शामिल थी। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं वो मानव के कार्यों का विश्लेषण रखता था जिसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती थी, मानव की परेशानी, और लोग उसके विश्लेषण से उसे ये पता था कि मानव के जीवन में, एक साधारण से मानव के जीवन में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, कौन कौन सी मुश्किलें होती हैं। तो उसने पाया था कि मानव के सामान्य जीवन में मैरिज संबंधी, मनी संबंधी, टैंगल ऑफ ह्यूमन टाइज अर्थात मानव संबंधों की उलझन संबंधी कई तरह की समस्याएं मानव जीवन में होती हैं। और लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे अभ्यास, एंड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और अपने तेज या शार्प अनुभव के द्वारा विथ इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनटों में ही अंडरस्टूड, वो समझ जाता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि आने वाले इंसान या आने वाले क्लाइंट के साथ क्या समस्या है। फिर से देखते हैं एक साथ पूरी लाइन का अर्थ, वो मानो संबंधों का, या ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मानो काइंड, वो मानवीय संबंधों का विश्लेषण रखता था या मानवीय कार्यों का विश्लेषण रखता था जिसमें उसे क्या क्या होता था, जिसमें मानव की परेशानियां होती थी, मैरिज संबंधी परेशानियां, मनी संबंधी, धन संबंधी, और मानव संबंधों की उलझन संबंधी चीज़ों का उसने विश्लेषण किया था। और लंबे अनुभव के द्वारा और अपने शार्प परसेप्शन, अपने तेज अनुभव के द्वारा उसे 5 मिनट में ही समझ में आ जाता था कि आने वाले आगंतुक कह लो या उसके पास आने वाले क्लाइंट की वास्तविक समस्या क्या है। आगे देखते हैं, ही चार्ज्ड, वो चार्ज करता था अर्थात लेता था। ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, वो एक प्रश्न के जवाब के लिए 3 पाई चार्ज करता था अर्थात जिसको कुछ पूछना हो आए 3 पाई दे अपने प्रश्न का जवाब ले जाए, अर्थात ऐसे नहीं हाथ देखता था लोगों का। तो ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चन या हर क्वेश्चन का वो 3 पाई चार्ज लेता था। और नेवर ओपन्ड हिज माउथ, और कभी भी तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि दूसरा अर्थात आने वाला व्यक्ति जब तक 10 मिनट बोल ना ले तब तक वो ज्योतिषी अपना मुंह खोलता नहीं था। और व्हिच प्रोवाइडेड हिम, और 10 मिनट तक जो अपना मुंह बंद रखता था और सामने वाला बोलता था तो सामने वाले के 10 मिनट तक बोलते रहने से व्हिच प्रोवाइडेड हिम, जो कि उसे प्रोवाइड करा देती थी, मतलब आगंतुक या उसका जो क्लाइंट 10 मिनट तक जब बोलता था तो तमाम चीजें ऐसी कह जाता था जिससे एस्ट्रोलॉजर को उसका जवाब देने के लिए ढेरों मामले उसके मन में
आ जाते थे, अर्थात व्हिच प्रोवाइडेड हिम विथ इनफ, जो उसको प्रोवाइड प्रदान कराते थे पर्याप्त मात्रा में स्टफ। स्टफ मीन्स पदार्थ होता है, लेकिन यहां स्टफ का मतलब हुआ जवाब। इनफ स्टफ तरीके फॉर अ डोजन आंसर, दर्जनों जवाब प्रोवाइड करा देता था वो व्यक्ति जो आके 10 मिनट तक मुंह चलाता रहता था या बात करता रहता था, एस्ट्रोलॉजर चुप रहता था, तो इस 10 मिनट के दौरान उसकी बातचीत से ऐसे दर्जनों जवाब या दर्जनों मामले मिल जाते थे उस व्यक्ति को बताने के लिए, किसको, एस्ट्रोलॉजर को। फॉर अ डोजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, दर्जनों जवाब और सलाहें मिल जाया करती थी, किसको, एस्ट्रोलॉजर को। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो आने वाले आगंतुक या आने वाले क्लाइंट के सामने मुंह खोलता था, तो व्हेन ही टोल्ड द पर्सन, जब वो लोगों को बताता था, बिफोर हिम अर्थात अपने सामने बैठे लोग को जब बताता था, तो ऐसे नहीं बताता था कि बताता रहे, मतलब ये तय है कि बताना क्या है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताता था क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जो भी बताना होता था वो पहले से ही माइंड में गढ़ लेता था, लेकिन बताता कैसे था, हाथ देख के, हाथ देखे इधर उधर तमाम तरह, हाथ पलट के देखे, बुदबुदाए, फिर कहे, एक एक गुण बताता, डायरेक्टली नहीं बताता था, क्योंकि डायरेक्टली बता देता तो लोगों को लगता ये ब्लफिंग कर रहा। बिफोर हिम, कुछ भी उनको बताने से पहले, गेजिंग एट हिज पाम, उसकी अर्थात सामने बैठे वाले व्यक्ति की हथेली पर गेज घूरता था, निहारता था, इन मेनी वेज, और फिर कहता था कि इन मेनी वेज, कई तरीकों से, यू आर नॉट गेटिंग, तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो द फुलेस्ट रिजल्ट, पूरा परिणाम, फॉर योर एफर्ट्स। हाथ देखता और उसके बाद सामने वाले व्यक्ति अर्थात अपने क्लाइंट से बताता था कि तुम किसी भी तरह से अपने कार्य का पूरा रिजल्ट या पूरा परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, और 9 out of 10, और यही चीज वो अपने आगंतुकों से कहता था, अपने क्लाइंटों से कहता था। तो ये कॉमन क्वेश्चन ही ऐसा होता है, या एक कॉमन ये आंसर ही ऐसा होता है कि 9 out of 10, 10 में से 9 वर डिस्पोज्ड टू एग्री, सहमति रखते थे विथ हिम, उसकी इस बात से। मतलब वो ऐसे कॉमन आंसर छाट के या ढूंढ के मन में रखता था जिसको बताने से 9 में से 10 लोग तो उसकी इस बात से सहमत हो जाया करते थे कि हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कहा आपने। आइए आगे देखते हैं। आर ही क्वेश्चन्ड, या वो लोगों से प्रश्न पूछता था, या अपने आए हुए क्लाइंट से या जो भी उसके ग्राहक आते थे उसके पास, उन ग्राहकों से वो आर ही क्वेश्चन, या उनसे प्रश्न पूछता था कि इज देयर एनी वुमन, क्या कोई महिला है इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव्स, या तुम्हारे दूर के सगे संबंध में क्या कोई महिला है, Who is not well disposed? और जब ये बात पूछता कि क्या तुम्हारे परिवार में या दूर सगे संबंधी में कोई ऐसी महिला है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहता कि नहीं है। भाई परिवार में महिला होती, मान लो कोई ऐसा भी होता जिसके परिवार में नहीं होगी महिला, तो कहता होगा हाँ सगे संबंधियों में तो है ऐसी महिला। Who is not well disposed? जो अच्छी भावना नहीं रखती है, विल माने अच्छी, डिस्पोज माने भावना कह लो या मत मैत्री भाव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवार्ड्स यू, जो तुम्हारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखती, या तो वो लोगों से ऐसी बात कहता कि 10 में से 9 सहमत हो जाया करते थे, और या लोगों से वो प्रश्न पूछता कि क्या तुम्हारे परिवार में या दूर दराज के सगे संबंधियों में कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारे प्रति अच्छी भावना नहीं रखती। और अथवा ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वो विश्लेषण देता था, एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वो चरित्र का विश्लेषण देता था आने वाले अपने ग्राहकों कह लो या क्लाइंट कह लो,
और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या उनको वो चरित्र का विश्लेषण देता था या चरित्र का विश्लेषण करता था कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, ये किसकी बात की गई, क्योंकि रटे रटाए निश्चित कुछ ही जवाब हुआ करते थे जो सब पे वो अप्लाई करता रहता था, तो मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, या वो लोगों से ये कहता कि मोर ऑफ योर ट्रबल्स, तुम्हारी ज्यादातर समस्याओं या परेशानियां आर ड्यू टू योर नेचर, वो तुम्हारे नेचर की वजह से हैं, या लोगों से वो ये कहता कि तुम्हारी परेशानियों का ज्यादातर कारण या एक तुम्हारी परेशानियों का मुख्य सबब तुम्हारा नेचर है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न, या लोगों से वो कहता कि हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम कैसे रह सकते हो इसके अलावा विथ सैटर्न, शनि ग्रह, या शनि ग्रह का बताता कि कैसे तुम शनि ग्रह के साथ, विथ सैटर्न मीन शनि के साथ, अर्थात शनि क्या है, ग्रह, या लोगों से कहता कि कैसे तुम शनि ग्रह के साथ उसके अलावा रह सकते हो, मतलब परेशानी में लोग आते थे तो वो लोगों से कहता कि भाई परेशानी में तो तुम्हें रहना रहना है क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनि सवार है, और कैसे तुम शनि के साथ संतुष्ट या खुश रह सकते हो। हेयर ही इज, और ये भी बताता कि शनि कहाँ है, कभी वो शनि को दूसरे घर में बताता, बुध के घर में बताता, बृहस्पति के घर में बैठा, क्योंकि कुछ क्लियर तो था नहीं, वो भी अम्बिग्य था, लेकिन कहने को क्या अपने भोले भाले ग्राहकों से कहता कि तुम्हारा शनि बृहस्पति के घर में निवास कर रहा, इसलिए तुम्हें सुकून कहाँ मिल सकता, तो हाउ कैन यू बी अदरवाइज, इसके अलावा तुम और कैसे रह सकते हो विद सैटर्न, किसके साथ, शनि के साथ, अर्थात शनि ग्रह के साथ, हेयर ही इज, या वो उनको बताता कि वो शनि ग्रह कहां है। यू हैव एन इम्पेटिव नेचर, या लोगों से कहता कि तुम्हारा व्यवहार जो है वो बड़ा क्रोधित करने वाला, अर्थात तुम बड़े क्रोधित व्यवहार के हो, क्रोधित नेचर स्वभाव, या लोगों से कहता कि तुम बड़े क्रोधित स्वभाव के हो, एंड रफ एक्सटीरियर, और बाहर से दिखने में भी तुम बड़े रफ भद्दे लगते हो, और तुम्हारी परेशानियों का सबब यही है कि तुम्हारा बनावट, तुम्हारा दिखावट या तुम्हारा बाहरी दिखावा अच्छा नहीं है, और उसके अलावा तुम बड़े क्रोधित व्यवहार के हो, बड़ी जल्दी लोगों से गुस्सा हो जाते हो, और यही तुम्हारी परेशानी का मुख्य सबब है, मुख्य कारण है। यू हैव एन इम्पेटिव नेचर, वो लोगों को कहता कि तुम बड़े अधीर या क्रोधित स्वभाव के हो, एंड रफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर माने होता बाहरी दिखावा, या तुम बड़े रफ मीन्स होता कर्कस कह लो, भद्दा कह लो, खुरदरा, एंड रफ एक्सटीरियर, या तुम्हारा दिखावा भी बहुत रफ है, भद्दा है, और यही तुम्हारी परेशानियों का कारण है। और दिस इंडियर्ड हिम, यह बात, उसकी ये बातें जो कई बातें ऊपर बताई गई हैं, तो दिस इंडियर्ड हिम, उसकी ये बातें उसे प्री बना देती थी टू देयर हर्ट्स, आने वाले आगंतुकों के दिलों में, या ये बातें जो थी एस्ट्रोलॉजर की, ये बातें लोगों के दिलों में उसे प्री बना देती थी कि हाँ बाबा जी बहुत सही कहते हैं, तो दिस इंडियर्ड हिम, ये बातें या ये चीजें इंडियर्ड हिम, उसे प्री बना देती थी टू देयर हर्ट्स, उनके हृदयों में इमेडिएटली, तुरंत, मतलब ऐसी ऐसी बातें बताता था लोगों को कि लोग उसकी बात से खुश हो जाया करते थे और उसको बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही मान सम्मान देते थे। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से कितना ही कोई मृदु, माइल्डेस्ट, कोमल, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से कोमल इंसान लव्स, पसंद करता है टू थिंक दैट, ये सोचना कि ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि उसका बाहरी दिखावा भयानक है, डरावना है, हम में से माइल्डेस्ट मतलब मृद से मृद या कोमल से कोमल इंसान भी यह सुनना पसंद करता है अपने बारे में कि उसका बाहरी दिखावा बड़ा रौबीला है, बड़ा भयानक है, बड़ा कठोर है। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, और अब
जो नट्स वेंडर था या मूंगफली विक्रेता जो था, द नट्स वेंडर ब्लू आउट, ब्लू आउट मीन्स बुझा दी हिज फ्लेयर, अपनी उस लपट को जो मूंगफलियों को फ्राई कर रहा था, तो कड़ा के साइड से जो लपटें उठती थी उसी से एस्ट्रोलॉजर अपना काम चलाता था। लेकिन अब उसके घर जाने का समय हुआ था तो ब्लू आउट हिज फ्लेयर, उसने अपनी उन फ्लेयर को, उन ज्वालाओं को कह लो या उन लपटों को बुझा दिया, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। और दिस वॉज अ सिग्नल, और ये एक संकेत था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, किसके लिए, उस ज्योतिषी के लिए, ये एक संकेत था टू बंडल अप टू, कि वो भी अपना सामान सट्टा बांध ले, अब उसे भी घर जाना है, अर्थात उसके भी घर जाने का समय हो गया। सिंस इट लेफ्ट हिम, क्यों, क्योंकि सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि उस मूंगफली विक्रेता के जाने के बाद, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, वहां केवल अंधेरा रह जाता था, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिवाय एक हल्के से मध्यम हरे रंग के प्रकाश के अलावा सिर्फ वहां अंधेरा बचता था। कब, जब मूंगफली वाला अपनी दुकान बढ़ा देता था तो उसके जाने के बाद वहां केवल एक लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, हल्का सा मध्यम मध्यम सा हरे रंग का प्रकाश ही वहां बचता था, उसके अलावा और वहां अंधेरे के सिवा कुछ बचता नहीं था। कब, जब मूंगफली वाला अपनी दुकान बढ़ा देता था, और वो भी हल्का हल्का जो मध्यम मध्यम सा प्रकाश हरे रंग का आता था, वो आता कहां था, व्हिच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर, जो कहीं से आता था, कहीं से आने का मतलब ऊपर लाइटिंग लगी होगी नगर पालिका की, और इमली के पेड़ के नीचे की वो बात है, तो उन इमली की पत्तियों से छनता हुआ या उनके झरोखों से आता हुआ वो कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही होंगी, जो हल्का सा था, मध्यम सा था और हरे रंग का था। क्यों, क्योंकि वो इमली के पेड़ के पत्तियों से होता हुआ वो प्रकाश आ रहा होगा, इसीलिए वो हल्का था और हरे रंग का था। स्ट्रेट इन फॉर्म समवेयर, जो कहीं से आता था, एंड टच द ग्राउंड, और आकर ग्राउंड पर टच करता था, वो हल्का हल्का मध्यम मध्यम सा हरे रंग का प्रकाश आके जमीन को टच करता था। बिफोर हिम, उसके आगे, किसके आगे, एस्ट्रोलॉजर जहां बैठता था उसी के आगे वो हल्के रंग के प्रकाश, मध्यम सा प्रकाश की किरणें, पूरी किरणें ना कह लो या रफी कह लो या हल्का सा परछाई नुमा प्रकाश, मध्यम मध्यम सा हरे रंग का एस्ट्रोलॉजर के सामने आकर जमीन पर पड़ता था। बिफोर हिम, किसके आगे, एस्ट्रोलॉजर के आगे। ही पिक्ड अप हिज कौड़ी सेल्स, कौड़ी सेल्स, उसने अपनी कौड़ियों को उठाया, एंड पैराफर्लेनिया, पैराफर्लेनिया माने होता है उसका अपना निजी सामान या व्यवसाय संबंधी जो सामान यूज करता था उसको बताया गया। तो उसने अपनी कौड़ियों को और अपने पैराफर्लेनिया, अपने व्यवसायिक सामग्री कह लो, अपना निजी सामान उठाया, सारी सामान मतलब अपने सारे सामान को उसने समेट लिया, एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उस सारे सामान को अपने बैग में रखने ही वाला था, व्हेन कि द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, कि वो हल्का हल्का सा जो मध्यम मध्यम सा प्रकाश जमीन पे पड़ रहा था वो बाधित हुआ। बाधित क्यों हुआ, क्योंकि जरूर जिधर से वो प्रकाश आ रहा होगा उधर कोई चीज आ गई होगी जिसकी वजह से वो प्रकाश जमीन तक आ नहीं पा रहा था, तो हल्के रंग का मध्यम सा प्रकाश वाज ब्लॉटेड आउट, बाधित हुआ। ही लुक्ड, जब प्रकाश बाधित हुआ या आना प्रकाश बंद हुआ, तो इतना तो एस्ट्रोलॉजर को पता हो गया कि इसके आगे कोई जो आ रही थी रोशनी जिधर से उधर कोई आकर खड़ा हुआ या कोई चीज आ गई है, इसीलिए मध्यम मध्यम सा प्रकाश जो जमीन को टच करता था वो बाधित हुआ या आना बंद हुआ। तो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर सर, नीचे था ना सामान रख रहा था, उसने ऊपर सर उठाकर देखा, एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ऊपर सर उठा के देखा तो उसने देखा कि एक आगंतुक या एक अजनबी उसके सामने खड़ा हुआ था, किसके सामने, एस्ट्रोलॉजर के। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट,
ज्योतिषी ने सोचा वो संभवता कोई क्लाइंट होगा या संभवता उसे क्लाइंट समझा कि वो क्लाइंट हो सकता है, पॉसिबल क्लाइंट, एंड सेड और उससे कहा कि यू लुक सो केयरवान, केयरवान मींस होता है वरीड, यू लुक सो केयरवान, तुम बड़े चिंतित दिखते हो, इट विल डू यू गुड, तुम्हारे लिए अच्छा होगा टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल, कि थोड़ी देर के लिए यहां बैठ जाओ, एंड चैट विथ मी, और मुझसे बात करो, काफी सुकून मिलेगा तुमको। देखा होगा, कहा होगा, अरे भैया बड़े चिंतित दिख रहे हो, आओ बैठो मेरे पास, थोड़ी देर बात करो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। द अदर ग्रम्बल्ड, यह सुनकर दूसरा वाला व्यक्ति गुर्राया, ग्रम्बल्ड मतलब क्रोध से बोला, या द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई, क्रोध से उसने जवाब दिया, वैगोली स्पष्ट रूप से उसने क्रोधित लहजे में जवाब दिया, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनविटेशन, क्योंकि बैठने को कहा होगा एस्ट्रोलॉजर ने तो वो बैठने पर राजी ना हुआ होगा, तो जब वो राजी नहीं हुआ तो द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इनविटेशन, एस्ट्रोलॉजर ने उसे आमंत्रित दिया, अर्थात उस पर जोर दिया रुकने के लिए, इनविटेशन आमंत्रित किया बैठने के लिए, और इम्प्रेस्ड हिज इनविटेशन, अपने इनविटेशन को या उसको रोकने की बात को जोर देते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अरे बैठो चले जाना, हुयर अपान द अदर, इस पर दूसरे वाले ने अर्थात उस आने वाले आगंतुक ने ट्रस्ट हिज पाम, थ्रस्ट होना चाहिए था, थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, इस पर आने वाले आगंतुक ने अपना हाथ, अपनी पाम, अपनी हथेली बढ़ा दी, हिज नोज किसके आगे, उसकी नाक के आगे, अर्थात उसके चेहरे के आगे आने वाले आगंतुक ने अपनी हथेली एस्ट्रोलॉजर के ज्योतिषी के नाक के सामने, अर्थात उसके चेहरे के सामने हाथ बढ़ा दिया, सेइंग, ये कहते हुए कि यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट, है यहां पे लेफ्ट लिखा हुआ है, फेल्ट होना चाहिए, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, उसकी इस चीज को एस्ट्रोलॉजर ने चुनौती महसूस किया, उसकी इस बात को एस्ट्रोलॉजर ने चुनौती महसूस की, एंड सेड, अर्थात एस्ट्रोलॉजर को यह चुनौती लगी, किसकी, उस एस्ट्रोलॉजर की, उस अजनबी की, एस्ट्रोलॉजर को यह चुनौती महसूस हुई, या जो उस अजनबी ने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि तुम अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिषी कहते हो, तो ज्योतिषी को अर्थात एस्ट्रोलॉजर को ये चुनौती लगी कि ये मुझे चुनौती दे रहा, चैलेंज, एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पाम, टिल्टिंग माने होता बढ़ाते हुए, द अदर्स पाम, दूसरे वाले की हथेली या दूसरे वाले इंसान की, अर्थात आने वाले उस आगंतुक कह लो, स्ट्रेंजर कह लो, टिल्टिंग माने किनारे करते हुए, टिल्टिंग द अदर्स पाम, दूसरे वाले इंसान की हथेली को पकड़ते हुए, टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उस हल्के हल्के मध्यम प्रकाश में उसकी हथेली या उसकी कलाई को टिल्टिंग बढ़ाते हुए, एस्ट्रोलॉजर ने उसकी कलाई को या हथेली को पकड़कर उसी मध्यम से हरे रंग के प्रकाश में ले गया होगा देखने के लिए, दिखावा करने के लिए कि वो उसकी हथेली की रेखाओं को पढ़ सकता है और पढ़ के बता सकता है उस आने वाले आगंतुक के बारे में।